नमस्ते, फिर से एक बार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं उस डिमांडिंग टॉपिक के बारे में जिसका आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे दोस्तों। वो है आपको रीडिंग कैसे करना चाहिए। अगर आपको स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है, फॉम्बलिंग का प्रॉब्लम है, स्पीड का प्रॉब्लम है, क्लैरिटी नहीं आती है, या फिर आपको अपने स्पीकिंग को इंप्रूव करना है, तो आपका रीडिंग कैसे करना चाहिए घर पर, जिसमें हम आज देखने वाले हैं कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आपका रेट ऑफ स्पीच कैसा होना चाहिए, आपको किस तरह से बैठना चाहिए, किस तरह से वर्ड्स को बोलना चाहिए, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है या फिर आपको लैपटॉप से पढ़ना है या फिर आपको मोबाइल से पढ़ना है या फिर आपको बुक से पढ़ना है, या फिर इसके भी अलावा आपके मन में जो भी छोटे मोटे क्वेश्चन है कि रीडिंग कैसे करना है ताकि हम अपने स्टैमरिंग को ओवरकम कर सके। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप 100% लॉजिकली एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि आपको रीडिंग सही से कैसे करनी चाहिए। मैं इस तरह के वीडियो या फिर मैं इस तरह का कंटेंट अपने क्लाइंट के साथ जब शेयर करता हूं उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और ये टॉपिक पर मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया था, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। तो दोस्तों मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और बीच बीच में जब भी मैं आप कुछ करने के लिए कहूंगा प्लीज आप उसको जरूर कीजिए, क्योंकि ये जब वीडियो चलेगा तो मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, बट जब भी मैं आपको कुछ करने के लिए कहूंगा रीडिंग के रिगार्डिंग प्लीज आप उस समय वैसा कीजिए, तो आपको इस वीडियो का या फिर इस ट्रेनिंग का बहुत अच्छे से फायदा मिलेगा। सो दोस्तों बिना आपका टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के लिए, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि आपको रीडिंग कैसे करनी चाहिए जिसमें आपका रिजल्ट 100% आने वाला। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के लिए। रीडिंग एग्जैक्टली कैसे करना है, माइंडसेट क्या होना चाहिए, रेट ऑफ स्पीच क्या होना चाहिए, ये तो सारा प्रैक्टिकल है। बट उसके पहले, प्रैक्टिकल करने से पहले हम लोग ये क्लियर करते हैं कि रीडिंग का मतलब एग्जैक्टली क्या। आपके अंदर शायद बहुत सारे डाउट्स होंगे, मिथ्स होंगे, मिसकंसेप्शन होंगे कि रीडिंग का मतलब लाउड रीडिंग करना, जोर जोर से पढ़ना, किसी के सामने जोर जोर से पढ़ना, अपनी माउथ को पूरा स्ट्रेच कर करके बोलना, एक एक घंटा रीडिंग करना। अगर आपका ऐसा कंसेप्ट है तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। रीडिंग का और स्पीकिंग का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, वो कैसे मैं आपको वो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। बट मैं आपको ये पहला आपका मिथ क्लियर करना चाहूंगा कि जो आप रीडिंग करते हैं वो एग्जैक्टली स्पीकिंग के बराबर होता है। बट अगर आप रीडिंग में अगर आपका माइंडसेट सही रखते हैं तो उसका रिजल्ट आपको बाहर डायरेक्टली मिलता है, जो लोग आप बहुत बार नहीं करते। अब मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि रीडिंग और स्पीकिंग का एग्जैक्टली कनेक्शन कैसा, या फिर रीडिंग और स्पीकिंग एक ही क्यों है। दोस्तों जब मैं बात करता हूं रीडिंग की तो आप लोग क्या करते हैं, आपके सामने फॉर एग्जांपल कोई एक पेज आता है जहां पर कुछ आपके वर्ड है, सेंटेंस है, जो आप उसको देखते हैं, दिमाग में जाता है और आप उसको बोलते हैं। तो इस कंसेप्ट में जब आप रीडिंग कर रहे हैं, जब आपके सामने कुछ वर्ड है, सेंटेंसेस है जिसको आप पढ़ रहे हैं, उसमें क्या आपका दिमाग यूज हो रहा है? नहीं, इसमें बस आपका मुंह यूज हो रहा है, क्योंकि आपने आपकी आंखों से कुछ देखा, थोड़ा सा प्रोसेस हुआ और आपने उस वर्ड को एज इट इज बोला। इसलिए बहुत सारे लोगों को रीडिंग करते समय स्टैमरिंग नहीं होती है, क्योंकि उसमें रीडिंग का मतलब क्या होता है, आपकी आंखों से देखना और उसको बस बोल देना। तो उसके बीच में जो प्रोसेस होती है कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, वो नहीं होता है रीडिंग करते समय। आई थिंक आपको ये पहला पॉइंट समझ में आ रहा है कि रीडिंग का मतलब क्या हो रहा है, वर्ड्स को देखा आंखों से और मुंह से बोल दिया, ये सिंपल रीडिंग है। तो मुझे बताएं दोस्तों कि जब आप ऐसा कुछ रीडिंग करते हैं क्या आपको बाहर जैसा फीलिंग आता है, क्या नहीं आता है? तो आपको कैसे रिजल्ट मिलेगा जब आप रीडिंग करेंगे और बाहर स्पीकिंग में एक्सपेक्ट करेंगे मुझे अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए? नहीं मिलता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि स्पीकिंग का मतलब क्या होता है। दोस्तों देखिए, जैसे कि मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, राइट, अब देखो मेरे स्पीकिंग में रीडिंग का कंसेप्ट कहां आता है। जैसे कि मैं आपके सामने बात कर रहा हूं तो मेरे पास कोई स्क्रिप्ट तो नहीं है पढ़ने के लिए, मैं बस आपके सामने ऐसे बात कर रहा हूं। तो जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं तो मेरे अंदर से जो वर्ड बाहर आ रहा है ये एक्चुअली मैं अपने मन की बात आपको बता रहा हूं, मतलब कि मैं रीडिंग अपने मन के अंदर की कर रहा हूं और उसको मैं बाहर बोल रहा हूं। तो रीडिंग और स्पीकिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों, वो ये है
कि स्पीकिंग में आप रीडिंग अपने मन के अंदर की करते हैं और रीडिंग में आप एक्चुअल में बाहर की रीडिंग कर रहे हैं। मतलब अगर एक पेज है और अगर मेरा दिमाग है तो मैं जो स्पीकिंग कर रहा हूं, मैं स्पीकिंग का मतलब क्या है कि मैं अपने अंदर की बात बोल रहा हूं रीडिंग करते समय, और रीडिंग का मतलब क्या होता है कि आप बाहर की बात बोल रहे बाहर, राइट। तो इसमें सिंपल कंसेप्ट क्या है कि जो आपका स्पीकिंग है और जो आपका रीडिंग है ये एक जैसा ही कंसेप्ट है दोस्तों। बट प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप बाहर जाते हैं बात करने के लिए और जब आप अपने मन की बात पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो बोलने से पहले आपके अंदर जो डाउट आता है कि ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मेरे मुंह से वर्ड नहीं निकल सकता, तो प्रॉब्लम वहां पर आती है। मतलब जो आपका सेल्फ डाउट होता है बोलने से पहले, वहां पर प्रॉब्लम आती है। आप अच्छे से रीड कर सकते हैं बट आप अच्छे से नहीं बोल सकते, क्योंकि जब आप बोलना स्टार्ट करते हैं वहां पर बीच में जो आपके दिमाग में जो एरर आती है जिसको हम कहेंगे ब्लॉकेज या फिर सेल्फ डाउट, वो आपको रोकता है और वही चीज आपको स्टैमरिंग को बढ़ाता है। आई थिंक आपको पहला पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है कि रीडिंग का मतलब क्या होता है, बाहर की चीजों को बाहर ही पढ़ना जिसमें आपका माइंड प्रोसेस नहीं हो रहा इसलिए आपका स्टैमरिंग वहां पर नहीं होता है, बट स्पीकिंग का मतलब अंदर की चीजें पढ़ना जिसमें आपका सेल्फ डाउट आ रहा है। तो आई थिंक आपको ये पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि रीडिंग कैसे करते हैं ताकि आपका स्पीकिंग में इंप्रूवमेंट हो सके। दोस्तों आपको ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि जो सेल्फ डाउट है वही मोस्टली आपका प्रॉब्लम होता है स्पीकिंग करते समय, और जो आप रीडिंग कर रहे हैं वो आप एग्जैक्टली वैसा रीडिंग नहीं कर रहे जैसा कि आपको बाहर स्पीकिंग करना है, राइट। तो अब मैं आपको इसमें दूसरा एक पॉइंट बताता हूं कि इसमें और एक प्रॉब्लम क्या हो सकता है। दोस्तों मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे अगर आप हिंदी बात करते या फिर आप मराठी या फिर आप पंजाबी या फिर कोई भी लैंग्वेज में बात करते, ठीक है। अब आपने जो लैंग्वेज सीखी है जिसमें आप बाहर बात करते हैं उस लैंग्वेज में जो आप जिस तरह से आप एक्सेंट में बोलते हैं, इस तरह से आप उस लैंग्वेज को बोलते हैं, उस लैंग्वेज के वर्ड आपके एक्सपीरियंस में आ चुके हैं, राइट। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मराठी हूं तो मुझे मराठी वर्ड बहुत अच्छे से बोलना आता है, बट अगर कोई हिंदी साइडर मेरे कुछ मराठी वर्ड को बोलना चाहता है तो वो उस वर्ड को नहीं बोल पाता जैसे कि मैं बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से मेरी टंग लोकेट होती है मुंह के अंदर, जिस तरह से मेरा माउथ ओपन होता है उस वर्ड को बोलने के लिए, वो सेम एक्सपीरियंस उस इंसान के साथ नहीं है जो हिंदी बोलता है। दोस्तों मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे कि अगर आप हिंदी बोलते हैं और अगर आपको एक रशियन वर्ड को बोलना है जिस रशियन वर्ड को आपने इसके पहले कभी भी नहीं देखा है, तो वो आपके आंखों के लिए, आपके माइंड के लिए, आपके मुंह के लिए, आपके टंग के लिए, आपके लिप्स के लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है बोलने का। और मैं आपको इसमें यह बता सकता हूं कि जब भी आप उस रशियन वर्ड को फर्स्ट टाइम बोलोगे जो आपके लिए इसके पहले आपने कभी नहीं देखा, तो आप 100% वहां पर स्टैमर जरूर करोगे क्योंकि आपके माइंड के पास लिप्स के साथ माउथ के पास एक्सपीरियंस नहीं है, राइट। तो इसमें दूसरा कंसेप्ट क्या आता है कि सेल्फ डाउट के अलावा भी ये भी हो सकता है स्टैमरिंग का रीजन कि जब आप बाहर बात करते हो और आप जिस वर्ड में अटकते हो सकता है आपके पास उस वर्ड को बोलने का मेमोरी आपके माउथ के पास, टंग के पास, लिप्स के पास नहीं है जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब आप ये कहेंगे कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है, हम तो उस वर्ड को बहुत बार अच्छे से बोल पाते बट बाहर नहीं बोल पाते। हाँ, इसमें पहला रीजन आ सकता है सेल्फ डाउट, बट दोस्तों दूसरा रीजन ये आ सकता है कि हो सकता है कि जब आप कई ऐसे नए वर्ड को या फिर अपने पुराने वर्ड को ही बोलना चाहते हैं, हो सकता है आपके पास उस वर्ड को बोलने का एक्सपीरियंस मेमोरी ना हो, और वो जो मेमोरी है वो आपकी माइंड की मेमोरी नहीं होती है, ये मेमोरी होती है आपके माउथ की, आपके लिप्स की, आपके टंग की और आपके फॉर एग्जांपल दांतों की। क्यों पता है क्या दोस्तों? जैसे कि मैं जो मराठी बोलता हूं वो मैं अच्छे से बोल सकता हूं क्योंकि मेरे टंग के पास, मेरे लिप्स के पास, मेरे माउथ के पास वो एक्सपीरियंस है, बट आपके पास अगर वो नहीं है इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम यहां पे नहीं है, कभी कभी प्रॉब्लम यहां पे भी हो सकता है।
तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं? दोस्तों अगर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इसका सिंपल आंसर है, आपको रीडिंग करना चाहिए। दोस्तों जो रीडिंग है ये आपको हेल्प करते उस मेमोरी को लेने के लिए, जिसमें आपके पास उस वर्ड का अगर मेमोरी ने कैसे बोलना है वो आप रीडिंग में ले सकते हैं। मतलब आप जितना ज्यादा रीडिंग घर पे करते हो, जिस तरह से करते उस तरह से वो जो वर्ड का जो मेमोरी अपने माउथ के साथ, टंग के साथ और लिप्स के साथ जो बनेगा, वही मेमोरी आपको बाहर हेल्प करेगा। तो आई थिंक आपको दोस्तों दो पॉइंट समझ में आ गए हैं रीडिंग प्रैक्टिस करने से पहले, कि पहला प्रॉब्लम आपका स्टैमरिंग का सेल्फ डाउट हो सकता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। बट जब आप वही चीज रीडिंग में करेंगे तो आपको स्टैमरिंग नहीं, बट बाहर करने के बाद स्टैमरिंग, क्योंकि आपके माइंड में सेल्फ डाउट है। दोस्तों वो तो आपका माइंडसेट का प्रॉब्लम है, वो हम उसके लिए अलग से मैं आपको नेक्स्ट टाइम वीडियो बना सकता हूं। बट दूसरा जो प्रॉब्लम है कि यार कुछ कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं आपके लाइफ में जो आप बहुत सालों से नहीं बोल पा रहे थे, आप उसको हाइड कर रहे थे, आप उसको छुपा रहे थे, और अभी आपको अगर उस वर्ड को इमीडिएटली बोलना है तो आपके माउथ के पास, टंग के पास, लिप्स के पास एक्सपीरियंस ही नहीं है कि उस वर्ड को कैसे बोलना है, राइट? तो हम अगर आपको उस एक्सपीरियंस को लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा रीडिंग। और रीडिंग अब आपको आई थिंक समझ में आ गया कि रीडिंग आपको करना है, तो क्यों करना है, वो माउथ, टंग और लिप्स का आपको एक्सपीरियंस घर पे लेना है, ताकि जब आप उस रीडिंग को करें और जब बाहर जाए तो अगर वो वर्ड आपके मुंह से आ गया, निकल गया, तो वो जो एक्सपीरियंस आपके माइंड में बनेगा वो आपके माइंड का एक्सपीरियंस आपके स्टैमरिंग को, आपके ब्लॉकेज को हटाने के लिए और कम करेगा। और अब हम बात करते हैं कि आपको एग्जैक्टली कैसे करनी चाहिए वो रीडिंग जिसमें आपका मेमोरी बनेगा बाहर बात करने का। तो चलिए देखते हैं। अब हम उस पार्ट पे आ चुके जहां पर मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि रीडिंग आपको कैसे करनी चाहिए। मैं इस तरह की रीडिंग अपने क्लाइंट्स को भी सिखाता हूं, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों रीडिंग करने से पहले या फिर रीडिंग करते समय सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए जब आप रीडिंग करते हो। अगर आपने किसी को फॉलो किया YouTube पर और अगर वो इंसान ये कह रहा है कि बस लाउड रीडिंग करने से स्टैमरिंग होती है, और अगर आपने बस एक महीना दो महीना लाउड रीडिंग ही किया बट फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसका रीजन क्या है कि आपने प्रोसेस पर तो फोकस किया कि आपको लाउड रीडिंग करना है बट आपके दिमाग में वो रिजल्ट नहीं था कि आपको रीडिंग क्यों करना है, इसका आउटकम क्या आएगा। तो रीडिंग करते समय वो आउटकम भी आपके दिमाग में रखिए कि एग्जैक्टली ये रीडिंग में क्यों कर रहा हूं। तो रीडिंग करते समय माइंडसेट कैसा होना चाहिए ये मैं आपको अभी अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। दोस्तों इस माइंडसेट को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आपकी जरूरत यहां पर पड़ने वाली है, क्योंकि आपको एक छोटा सा यहां पर काम करना है। दोस्तों आपको अभी अपने आंखों को बंद करना है, वीडियो ऐसे चलते रहेगा, आपको मेरी आवाज आती रहेगी, प्लीज अपने आंखों को बंद कीजिए। दोस्तों अब मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा और आपको उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, ठीक है? तो मेरा इंस्ट्रक्शन दोस्तों आपके लिए ये है कि आपकी आंखें बंद हैं और अभी आपको इमेजिन बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको इमेजिन बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपके सामने काला हाथी आपको दिख रहा है। बिल्कुल भी इमेजिन मत कीजिए कि आपके सामने काला हाथी है, और ऐसा तो बिल्कुल भी मत इमेजिन कीजिए कि उस काले हाथी के ऊपर एक पीले कलर का बंदर है, और ऐसा तो बिल्कुल भी इमेजिन मत करना कि उस पीले कलर के बंदर के ऊपर एक लाल कलर की टोपी है, बिल्कुल भी इमेजिन मत करो। आप अपनी आंखों को खोल सकते हैं और आप मुझे बताइए कि क्या आपको अपने आंखों के सामने आपके इमेजिनेशन में बंदर, हाथी और टोपी दिखी। अगर आपको दिखे तो प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस आई इमेजिन, या फिर लिख सकते कि हाँ मैंने देखा। क्योंकि दोस्तों जब आपको मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा मत सोचो, ऐसा इमेजिन मत करो, बट फिर भी अगर आपको वो दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको क्या बोला कि मत देखो मत देखो मत देखो, बट आपने क्या देखा, हाथी, बंदर और टोपी, क्योंकि मत देखो मत देखो का कोई इमेज नहीं है आपके माइंड में। मतलब अगर मैं आपको ये कहूंगा कि आपको बाहर नहीं जाना चाहिए
तो एक्चुअली आपके दिमाग में बाहर जाने का इमेज आता है, बट आपके अंदर नहीं का इमेज नहीं आता है। जब आप रीडिंग करते हो, रीडिंग करते समय ये अगर दिमाग में रखते हो कि मुझे स्टैमरिंग ओवरकम करने के लिए रीडिंग करनी है, तो दोस्तों आपके अंदर ओवरकम करने का इमेज है ही नहीं। अगर आप ये कहते कि मुझे स्टैमरिंग क्यूर करने के लिए रीडिंग करनी है, दोस्तों आपके मन में क्यूर का इमेज है ही नहीं, आपके अंदर स्टैमरिंग का इमेज है। अगर आप स्टैमरिंग के बारे में सोचोगे तो आपको आपका चेहरा दिखेगा, कुछ वर्ड स्टैमर करने वाला आपको ऐसा कुछ इमेज दिखेगा, बट जब आप कहेंगे कि मुझे ओवरकम स्टैमरिंग के लिए रीडिंग करना है, तो ओवरकम का कोई इमेज है ही नहीं, तो वहां पर ही आपका प्रॉब्लम आता है। तो रीडिंग करते समय माइंड में स्टैमरिंग ओवरकम करने के लिए मैं रीडिंग कर रहा हूं ऐसा मत बोलना। आपको क्या बोलना है कि मुझे क्लैरिटी के लिए रीडिंग करना है। क्योंकि दोस्तों जब हम अपने अंदर स्टैमरिंग ओवरकम करने का इमेज हटा करके वहां पर क्लैरिटी वाला इमेज ऐड करते हैं, और हम लोग ये बोलते हैं कि मुझे रीडिंग अपने क्लैरिटी को इंप्रूव करने के लिए करना है, तो सडनली आपके माइंड में क्लैरिटी का इमेज आ जाता है, और सडनली आपकी पूरी बॉडी, आपका माइंड उस फोकस में चला आता है कि आपको कैसे भी वर्ड्स को क्लियर बोलना है, राइट। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, रीडिंग करते समय आपका जो माइंडसेट होना चाहिए, जिसमें आपका माइंडसेट इक्वल टू क्लैरिटी होना चाहिए। आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं अपने नोटबुक में कि व्हाइल डूइंग रीडिंग माइंडसेट इक्वल टू क्लैरिटी। क्योंकि जब आपके माइंड में क्लैरिटी होगा, माइंडसेट में क्लैरिटी कि मेरा आउटकम क्लैरिटी आना चाहिए, तब जाकर आपके एक्शन में भी वो क्लैरिटी ही दिखता है, आपके रियल में भी क्लैरिटी दिख सकता है, राइट। तो पहला आपको पॉइंट क्लियर है कि माइंडसेट कैसा होना चाहिए। माइंडसेट स्टैमरिंग ओवरकम करने का नहीं होना चाहिए, माइंडसेट ये होना चाहिए कि मुझे क्लैरिटी से रीडिंग करना है, तब जाकर जब आप बाहर बात करेंगे लोगों से, तो आपके मन में जो सेल्फ डाउट आता है कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, वो हटके वहां पर मुझे क्लैरिटी से बोलना है, मुझे अच्छे से बोलना है, वो आपके अंदर से आ सकता है। तो पहला पॉइंट था माइंडसेट इक्वल टू क्लैरिटी। अब दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आता है कि हमको किस लैंग्वेज में पढ़ना है। दोस्तों जो लैंग्वेज आपको चूज करनी है, वो आपको ऐसी लैंग्वेज चूज करनी चाहिए जिसमें आपको स्टैमरिंग ज्यादा होती है। जैसे एग्जांपल लेते कि अगर आपकी एक लोकल लैंग्वेज है जिसमें आप डेली बात करते हैं और वहीं पे आपको ज्यादा स्टैमरिंग होती है, तो आपको रीडिंग अपने लोकल लैंग्वेज में ही करनी चाहिए। और उसको कब कब आपको करना है, उसका टाइमिंग जो होगा दोस्तों, वो एक आपको सुबह रखना है। क्योंकि जब आप सुबह रीडिंग करके बाहर निकलते हो, वहां पर आपके पास एक एक्सपीरियंस आ चुका है रीडिंग करने का, वो एक्चुअली आपको बाहर हेल्प कर सकता है। तो लैंग्वेज कौन से चूज करना है, लैंग्वेज आपको चूज करनी है आपकी लोकल लैंग्वेज, या फिर आपको जिस लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है। अगर आपको इंग्लिश वाले वर्ड में प्रॉब्लम होता है तो आपको इंग्लिश की रीडिंग करनी है, या फिर अगर आपको अपने लोकल या फिर हिंदी में प्रॉब्लम होता है, आपको हिंदी या फिर लोकल की रीडिंग करनी चाहिए। उसको कब रीडिंग करना है, आपको उसको सुबह रीडिंग करना है मॉर्निंग में, और उसका टाइमिंग क्या होगा दोस्तों, आपको रीडिंग करना है 15 से 20 मिनट। दोस्तों अगर आप 15 से 20 मिनट आपके लिए लगता है कि कम है, तो आप उसको आधा घंटा या फिर मैक्सिमम आप उसको 45 मिनट्स भी कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं करने चाहिए आपको, क्योंकि उससे ज्यादा करने से कोई फायदा होता भी नहीं वैसे। तो आपको रीडिंग किस लैंग्वेज में करनी है, आपको लोकल लैंग्वेज में करनी है, या फिर आप जिस लैंग्वेज में आपको डिफिकल्ट है तो उसमें करनी चाहिए। टाइमिंग आपको सुबह रखना चाहिए, 15 से 20 मिनट आपको मिनिमम। और अगर आपको ये लगता है कि मेरे दो लैंग्वेजेस है जिसमें मैं, पहला मेरा लोकल है, दूसरा मेरा इंग्लिश है, तो आप उसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि आप सुबह 15 से 20 मिनट लोकल लैंग्वेज में रीडिंग कर सकते हैं, और इवनिंग को आप इंग्लिश में रीडिंग कर सकते हैं, और आपके माइंडसेट में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं जब भी रीडिंग करूंगा मेरे माइंड में क्लैरिटी होगी। मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन भी करूंगा इस वीडियो में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि रीडिंग क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर आप रीडिंग में बुक लाते हैं तो प्रॉब्लम ये आता है बुक के साथ कि उस बुक में जो वर्ड है वो ऐसे वर्ड आते हैं जिसको आप डेली बेसिस पर यूज नहीं कर पाते। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि आप व्हाट्सएप के मैसेज अगर पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि व्हाट्सएप के मैसेज में जो वर्ड्स आते हैं वो एक्चुअली वही वर्ड है जो आप रियल लाइफ में भी वैसे भी बात कर रहे हैं, मतलब कि आपके माउथ के पास एक्सपीरियंस बनता है उस वर्ड के रिगार्डिंग, राइट। तो पहला कंसेप्ट क्या है, क्या पढ़ना चाहिए, तो आप व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ सकते हैं, आप कोई पोएम पढ़ सकते हैं, या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं जिसमें जो वर्ड्स आते हैं वो डेली बेसिस के न्यूज़ होते हैं। अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है, अगर आपके पास व्हाट्सएप नहीं है,
तो आप सिंपली बुक भी पढ़ सकते हैं, बट प्रॉब्लम यह आ सकता है बुक का कि बुक में जो वर्ड्स है वो एक्चुअली आप रियल लाइफ में यूज नहीं कर पा रहे ज्यादा, क्योंकि उसमें जो वर्ड्स है वो मोस्टली ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं जिसका कोई मीनिंग या फिर जिसका कोई यूज आपके रियल लाइफ में नहीं होता है, राइट? तो आप ऐसा कुछ रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए जो एक्चुअल में डेली बेसिस पर आपके लोकल लैंग्वेज में वर्ड यूज होते हैं। और दोस्तों अब हम बात करते हैं आपको रीडिंग एग्जैक्टली कैसे करनी चाहिए या फिर आपका रेट ऑफ स्पीच कैसे होना चाहिए। चलिए मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों रेट ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एक बुक है जिसको मैं पढ़कर आपको बता सकता हूँ कि कैसे रीडिंग करना है, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, इसमें मैंने एक हिंदी वाला बुक लिए और मैंने आपको अभी कहा है कि आपको बुक में से रीडिंग नहीं करनी, मैं बस आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने के लिए मेरे सामने बुक रख रहा हूँ, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, इसमें जो भी कुछ लिखा है, ठीक है, अब भले आपको स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है बट एक कोशिश जरूर करना कि बुक में रीडिंग करते समय आपका फोकस, आपका माइंडसेट क्लैरिटी पर होना चाहिए। और दोस्तों आपके अंदर से क्लैरिटी कब आती है? जब आप अपने माउथ को थोड़ा अच्छे से ओपन करते हैं तब आपके अंदर से क्लैरिटी अच्छी आती है, राइट? दूसरी बात दोस्तों ये है कि रीडिंग का स्पीड कैसे होना चाहिए। मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूं कि रीडिंग का स्पीड कैसे होना चाहिए। दोस्तों मैं जिस स्पीड में अभी आपके सामने बात कर रहा हूं एग्जैक्टली उसका आधा स्पीड में आपको रीडिंग करना है, मतलब कि आपको इतना स्लो बात करना है जिससे कि अगर मैं इस स्पीड में अभी आपके सामने बात कर रहा हूं तो इसका एग्जैक्टली आधा मेरे रीडिंग में आना चाहिए। जैसे कि देखो एग्जाम्पल बता रहा हूं कि यहां पर कुछ लिखा है कि ध्यान केंद्रित करना कई रूप में हमारे सामने आता है, ऐसा ही जोखिम होता है। मैं जिस स्पीड में अभी इस बुक को पढ़ रहा हूं और मैं अभी जैसे बोल रहा हूं आप देख सकते हैं कि मेरा जो स्पीड है बोलने का और मेरा जो रीडिंग का स्पीड है वो एग्जैक्टली आधा है मेरे बोलने के स्पीड से। अब आपका क्वेश्चन यह आ सकता है कि भाई ऐसा क्यों करना है कि मेरा स्पीड रीडिंग करते समय छोटा हो और बोलते समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि दोस्तों जब आप ऐसे स्लो स्पीड में बुक को पढ़ते हैं तो जैसे कि मैं आपके सामने अभी बोल रहा हूं और जब आप अपने हर वर्ड पर कंट्रोल लाते हैं और जब आप किसी के सामने बाहर बोलते हैं आपकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है, बट इस रीडिंग के कारण आपका स्पीड एक्चुअल में कम होता है जब आप बाहर बात करते हैं। क्योंकि अगर आप 15 से 20 मिनट या फिर अगर आप आधा घंटा रीडिंग करेंगे, स्लो स्लो एक एक वर्ड को बोलेंगे और पूरा क्लैरिटी पर फोकस करेंगे दोस्तों, तो इससे क्या होगा कि आपने एक्चुअल में आधा घंटा रीडिंग नहीं किया, आपने आधा घंटा स्पीकिंग किया। तो जो आधा घंटा स्पीकिंग आपने घर पर किया बुक में से, वही जब आप बाहर जाएंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि मेरा जो स्पीड है वो अपने आप कम हो गया। और दोस्तों जब आपका स्पीड अपने आप कम होता है तो वहां पर आपके फंबलिंग के चांसेस कम है, आपका क्लैरिटी अच्छा आता है। और दूसरी बात ये है कि जब आप अपने क्लैरिटी पर फोकस करके बात करते हैं तो आपके दिमाग में, आपके माइंड में क्लैरिटी से बोलने वाला कंसेप्ट था, ना कि मुझे स्टैमरिंग को हाइड करना ऐसा कंसेप्ट था। क्योंकि जब आप बाहर जाते समय आपके माइंड में ये रखते हैं कि मुझे इस इंसान के सामने बोलते समय स्टैमरिंग को हाइड करना है, मतलब कि आप इनडायरेक्टली अपने माइंड को क्या सिग्नल दे रहे हैं कि मुझे स्टैमरिंग को हाइड करना है, तो आपका माइंड, आपकी बॉडी वैसे ही एनर्जी को फ्लो करते हैं आपके अंदर से और आपके स्टैमरिंग को हाइड करने की कोशिश करते हैं। बट अगर आपके अंदर ऐसा है कि मुझे आज के बाद लोगों के सामने क्लैरिटी के साथ बोलना है, तो आप देखेंगे दोस्तों कि आपके माइंड में सिग्नल क्या गया कि आपको क्लैरिटी से बोलना है। और दूसरी बात, रीडिंग करते समय आपका स्पीड स्लो कीजिए बहुत ज्यादा, ताकि ये जो स्पीड आप आधे घंटे तक कंटिन्यू करेंगे और जब अपने बुक को नीचे रख के बाहर जाएंगे और लोगों से बात करेंगे तो अभी आप जिस तरह से मेरी स्पीड को देख सकते हैं कि मेरी स्पीड अपने आप कम हो गई है और मैं वर्ड में क्लैरिटी पर ही फोकस कर रहा हूं, ना कि मेरा फोकस या फिर आपका फोकस स्टैमरिंग हाइडिंग पे होगा। दोस्तों आई थिंक आपको मैंने अभी तक जो बताया मैं इसको आपको थोड़ा सा एक समरी देना चाहूंगा।
कि क्या है दोस्तों, सबसे पहले माइंडसेट कैसे रखना चाहिए जिसमें आपका क्लैरिटी हो, राइट। आपको क्लैरिटी के साथ वर्ड को बोलना है, आपको अपने लोकल लैंग्वेज में बोलना है। 15 से 20 मिनट आपको सुबह या फिर आप फिर से उसको शाम को भी रिपीट कर सकते हैं। आपको बैठकर आपको रीडिंग को करना है। मैं एक चीज आपको बताना ये भूल गया कि उसको रीडिंग कहाँ पे करना है, आपका लोकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों आपका जो लोकेशन होना चाहिए रीडिंग करते समय, आपको खाली दीवार के सामने चेयर रख के रीडिंग करना है। आपको हॉल में बैठकर रीडिंग नहीं करना है, आपको टीवी के सामने रीडिंग नहीं करना है। आप ऐसी जगह पर बैठेंगे जहां आपके सामने बस एक खाली दीवार है, आपके सामने बिल्कुल भी कोई पोस्टर नहीं है। क्योंकि जब आप खाली दीवार के सामने बैठेंगे तो आपके सामने कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ना कि आपके साइड में डिस्ट्रैक्शन है, और जो लोग आपके आजू बाजू में जाएंगे उनसे आपको कोई भी इशू नहीं होगा और आपका पूरा का पूरा फोकस रीडिंग में ही रहेगा। तो आपका जो रीडिंग आप करेंगे 20 या 25 मिनट, उसमें आपका पूरा फोकस रहेगा, ना कि आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट होगा। तो लोकेशन कहां पर रखनी है, लोकेशन आपको ऐसी जगह पर बैठना है जहां पर आपके सामने एक खाली दीवार ही हो, राइट। तो माइंडसेट कैसा होना चाहिए, क्लैरिटी के साथ वर्ड निकालने हैं। स्पीड आपकी एकदम से 50% पर लेकर आइए, क्लैरिटी से वर्ड बोलने की कोशिश कीजिए। माउथ ओपनिंग से आपका वर्ड अच्छे से क्लियर आता है। आपको अपने लोकल लैंग्वेज में बोलना है, सुबह प्रैक्टिस कर सकते हैं 15 से 20 मिनट, शाम को उसको रिपीट कर सकते हैं। और जब आप पढ़ते हैं, मेक श्योर आप एक एक वर्ड को क्लियर बोलने की कोशिश करें। और जब आप ये आधा घंटा रीडिंग कंप्लीट करते दोस्तों, उसके बाद जब आप बाहर जाते हैं, आप एक चीज नोटिस करते हैं कि आपका जो फोकस जो पहले स्टैमरिंग हाइट करने पर था, अब आपका फोकस क्लैरिटी बोलने पर है। क्योंकि आपके माइंड में आपने एक इमेज क्या डाली है आज के बाद, कि मुझे आज के बाद क्लैरिटी से ही बोलना है। और मैंने इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया, इसका नाम था बेस्ट एवर एडवाइस ऑन स्टैमरिंग क्योर, जिसमें मैंने आपको रीडिंग के रिगार्डिंग कुछ बताया था, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, जिसमें आपको पहले 3 एक्सरसाइज थे, बेली ब्रीदिंग, ई एंड ओ माउथ एक्सरसाइज, उसके बाद सिंहासन, और उसके बाद आपको ये रीडिंग करना है 20 मिनट। तो आप ये देखेंगे दोस्तों कि अगर आप इस रीडिंग को 21 दिन तक कंटिन्यू करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि अब आपके अंदर जो माइंडसेट है वो पूरा चेंज हो चुका है, आपकी स्पीड अपने आप कम हो चुकी है, फॉम्बलिंग आपका दूर हो चुका है, या फिर आपका स्टैमरिंग बहुत कम हो चुका है। और जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा 21 दिन के बाद, तो आप मुझे आपके दुआओं में याद रखने वाले, क्योंकि ये जो कंसेप्ट बताया मैंने आपको वो एग्जैक्टली मेरे क्लाइंट्स भी फॉलो करते हैं। और अगर आप इसको सेम अपने लाइफ में फॉलो करेंगे, आपको भी सेम रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों अगर आपको ऐसे मुझसे बहुत सारी चीजें सीखनी है, तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्रेनिंग के रिगार्डिंग फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आपको हमारी तरफ से कॉल या फिर व्हाट्सएप आएगा और आप हमारे ट्रेनिंग में जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आई थिंक आपको ये मेरा वीडियो दिल से पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, आपके कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही डिमांडिंग था। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों मिलते ऐसे नए अच्छे मोटिवेशनल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।